सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंड आज है हमारा सेकेंड डे ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन क्लास। अभी विजुअलाइजेशन मैं नहीं शुरू करवाना चाह रही हूँ, तो आज भी हम लोग एक मेडिटेशन ही करेंगे। बेसिक कल किया था जिसमें हम लोगों ने एनर्जीज ऊपर से लेके आए थे स्काई से और अपनी बॉडी में धीरे 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 विजुअलाइज इमेजिन किया था, विजुअलाइज किया था कि उसको वो हर बॉडी पार्ट में जा रही है। वो वाला आप करोगे तो आपके बॉडी के जितने भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोई काम करता है तो उसके यहाँ पे जैसे दर्द होता है, यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, या काफ़ी देर से मैं अगर ऐसे बैठी हूँ या ऐसे बैठी हूँ फ़ोन में देख रही हूँ तो मेरे यहाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, तो उसको अगर खोलना है, ऐसे कोई भी दर्द की गांठ है, कोई भी कुछ भी करना है, एनर्जी खोलनी है, तो वो वाला आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग जब भी बात करते हैं, एनर्जी के नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जब भी मैं बात करती हूँ तो मेरी एनर्जी निकल रही है शब्दों के द्वारा, वो कहाँ जा रही है? ब्रह्मांड में ही कहीं जा रही है, राइट? इधर उधर ही कहीं जा रही है, कोई ना कोई चीज़ उसे एब्जॉर्ब कर रही है उस एनर्जी को, उस साउंड एनर्जी को, राइट, उस हीट एनर्जी को। तो हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एनर्जी उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं जा रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये समझ लीजिए कि हमारी एनर्जी इधर उधर कहीं स्कैटर हो गई है। अब रोज़ ही स्कैटर होती रहेगी तो अपने में भी तो एनर्जी लेके आनी पड़ती है ना। तो आज वाला जो कर रहे हैं अपन, वो है एनर्जी ज़मीन से लेने के लिए और आसमान से लेने के लिए, और फिर एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे उसको अपने अंदर ही प्रिजर्व करके रखने के लिए। जो लोगों ने मैजिक बुक कोर्स किया हुआ है उन्होंने एक बार ये करा हुआ है, सो बाकी लोगों के लिए ये नया होगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्लोज योर आईज, लेट मी स्टार्ट द म्यूजिक। And let me mute everybody. Mute all. Perfect. Okay. आराम से एकदम सीधी कमर, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, आंखें एकदम सहजता से बंद किया कीजिए, बिल्कुल ऐसे टाइट मत बंद कीजिए, कोई सल नहीं आने चाहिए अपनी आंखों पे। आपके हाथ आपके घुटनों पे आसमान की तरफ ऊपर खुले हुए, गहरी और लंबी सांसें, डीप ब्रेथ इन, होल्ड आउट, डीप ब्रेथ इन, होल्ड आउट, deep breath in, hold out, आपके पैरों को एक पेड़ की जड़ें माने, अपने आप को एक पेड़ माने और अपनी उन जड़ों को जमीन में बहुत गहरे जाते हुए इमेजिन कीजिए। आपके पैर पेड़ की रूट्स हैं और वो ज़मीन के अंदर जा रही हैं और ज़मीन की एनर्जी पी रही हैं। जैसे पेड़ पानी पीता है ज़मीन से, वैसे हम एनर्जी पी रहे हैं ज़मीन से। और वो एनर्जी धीरे धीरे हमारे शरीर में पूरा सर तक ऊपर ट्रैवल कर रही है। पहले हमारे फीट में आई, बहुत धीमे धीमे काफ मसल्स में आई, घुटनों से होती हुई हमारे थाइज में, हिप्स में, हमारी लोअर बैक, हमारे
अपर बैक, शोल्डर्स, आपके दोनों कंधों से दोनों हाथों में ट्रैवल कर रही है वो एनर्जी। कोई भी झंझनाहट हो तो उसे जस्ट इग्नोर कीजिए। आपकी गर्दन से होती हुई सीधा आपके मस्तिष्क क्रम चक्र में। अब स्काई से आप एनर्जीज लेंगे। इमेजिन कीजिए कि एक ब्राइट वाइट लाइट आसमान से गिर रही है आपके क्राउन चक्र पे। जहाँ हमारे सर पे बाल होते हैं वहाँ पे गिर रही है वो लाइट। उसको नीचे लेके आइए आपके फॉरहेड में। इस बिंदु से हमारी जहाँ टिक्का लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां से एक पिरामिड शेप का यानी ट्रायंगल शेप का बनाइए, एक उसी लाइट का ट्रायंगल, और अपने आप को उसके ठीक बीच में बैठा हुआ पाइए। इजिप्ट में जैसे पिरामिड्स होते हैं वैसे पिरामिड है और उसके ठीक बीच में आप बैठे हैं। जो चैनल ऑफ लाइट हमने बनाई थी उसका एक पूरा ट्रायंगल बना है और हम उसके ठीक बीच में। एक और चैनल बुलाइए आसमान से व्हाइट कलर की लाइट का। आपके क्राउन चक्र से होते हुए वो नीचे आपकी बॉडी में ट्रेवल करेगा। धीमे धीमे क्राउन चक्र से वो आपके फॉरहेड में आया, आपके थर्ड आई चक्र में। और नीचे बहते बहते अब वो आपके थ्रोट चक्र यानी आपके गले में आया। आपकी आंखें, नाक, कान कवर करते हुए धीमे धीमे से ये एनर्जी आपके थ्रोट चक्र में आई।
इस एनर्जी को अब अपने हार्ट चक्रा की तरफ लेके जाएंगे हम लोग, जहां हमारा दिल होता है। हमारी नाभि से ठीक दो अंगुली ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, इस लाइट को वहां तक लेके जाइए। इस पूरी एनर्जी को हम उस सोलर प्लेक्सस में स्टोर कर देंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी इस चक्रा में आ रही है तो ये चक्रा बड़ा होता चला जा रहा है। धीमे धीमे इसमें एनर्जी भरती जा रही है और वो चक्रा बड़ा होता जा रहा है। चक्रा बड़ा हुआ हमारी थाइस तक और ऊपर हमारे शोल्डर्स तक कवर हो गया। धीरे धीरे बड़ा कीजिए। हमारा गला, हमारे घुटने सब कवर हो गया इसमें, इसी चक्र का हिस्सा बन गया। और बड़ा कीजिए इसको। और बड़ा, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है हमको इस चक्र के अंदर बैठते हुए। पूरा एक गोल बन गया है हमारे चारों ओर और हम उसके ठीक बीच में बैठे हैं। ये डिवाइन एनर्जी का और हमारे पूरी इमोशनल बॉडी के चारों ओर है। Thank you.
The universe is protecting me. ये कायनात हमें प्रोटेक्ट कर रही है. I deserve to feel protected. मैं प्रोटेक्टेड फील करना डिजर्व करती हूँ. I am safe. मैं सुरक्षित हूँ. I am loved. मुझसे सभी बहुत प्यार करते हैं. I welcome security into my universe. मैं अपनी छोटी सी कायनात में सिक्योरिटी को वेलकम करती हूँ. I am balanced and peaceful. I know कि यूनिवर्स मेरा हमेशा साथ निभाती है. मेरा मन शांत है क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रही है. I choose to feel peaceful. Only good things are coming into my life. मेरे लाइफ में अब सिर्फ अच्छी और सिर्फ बहुत अच्छी चीजें ही आती हैं. मेरा ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. मैं पॉजिटिव एनर्जी से घिरी हुई हूँ. मुझ में सही का चुनाव करने की क्षमता है. आई एम हैप्पी. आई एम एनर्जेटिक. I am safe.
I trust myself. I know that I'm well. I believe in myself. I am emotionally secure. I am physically secure. I am at peace. Thank you. Thank you. Thank you. धीमे धीमे अपना अपने सारी एनर्जीज अपने आसपास महसूस कीजिए, अपने आसपास की हवा को महसूस कीजिए, अपने पैरों की छुअन को महसूस कीजिए, अपनी सांसों की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पे वापस लेके आइए। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पे अपना ध्यान लगाइए। अपने दोनों हाथों को रख कीजिए, अपनी आंखों पे लगाइए और आंखें खोल सकते हैं। How is it? किसी का कोई रिव्यू फीडबैक कुछ हुआ किसी को कोई टिंगलिंग कुछ एहसास? आज मैं काफी डिस्टर्ब रही। डिस्टर्ब रहे कुछ आसपास हो गया? क्योंकि आई कुडंट कंसंट्रेट एंड थोड़ा बहुत उतारने के बाद मैं कहीं और डाइवर्शन में चली गई एंड जो मेरे डे टू डे में आज जो चलता सब आप में चलता रहा मेरे। आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है। जब हम शांत होते हैं तब हमारा दिमाग हमारे को शांत होने नहीं देता। आपने सुना देखा होगा कि जब भी अपन भजन और या भागवत सुनने जाते हैं तो सबसे पहले उबासियाँ आने लग जाती है हमारे को, क्योंकि हमारे दिमाग की सेटिंग पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करने देती है हमारे को। तो आप मैजिक बुक की जर्नी में इस बार जब भी मैं बैच शुरू करूँ ज़रूर आइए, क्योंकि जितना अपन अपने ऑरा पे कंट्रोल करेंगे उतना जल्दी ये सब जो भी मेडिटेशन अफर्मेशन जो भी मैं करवा रही हूँ वो सब काम करेगा। क्लीन ऑरा में ही काम है। वीडियो ऑफ हो गया उनका। क्लीन ऑरा में ही काम करता है सब कुछ। यस निवेदिता जी। मैम पहले तो बहुत फ्रेश लग रहा है और एक चीज होता है एक्चुअली हम लोगों का मल्टीटास्किंग का इतना आदत बुरी आदत लग गया है ना, तो ब्रेन भी यूज टू हो गया है उसमें। तो फोकस मेरा जो हो रहा है मैं तो कंटिन्यू कर रही थी बट एक मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया तो मैंने कट किया। सो फिर थोड़ा सा डाइवर्शन हुआ मेरा बट तभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ थॉट आना चालू हो गया ये क्या ना, फिर तो बराबर जा रहे थे। और एक चीज मैं बोलूंगी जो ऑरा का जो ये फीलिंग्स ना मेरे घूस बम आते हैं और एक वाइब्रेशन फील होता है बॉडी में वो मैं जब भी करती हूँ ना मतलब आफ्टर 10-15 मिनट्स बाद मतलब मैं ऐसे भी मेडिटेशन करती हूँ तो थोड़ा शिवरिंग होता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ा चाहिए था। इट्स गुड और क्या? इट्स गुड। जब जब एनर्जी ट्रेवल करती है तो वो
चीटियों जैसी जो सेंसेशन है वो होती है, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है। ओके और एक बात बोलती हूँ, अभी कोई पॉजिटिव कोई बहुत अच्छा सा वर्ड सुनती हूँ ना, मतलब कुछ लाइंस आ गया, कुछ वीडियोस में आ गया, कोई कोड कोई बोले तो ना तुरंत गुजबम आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, ये पहले नहीं होता था। मतलब आपके साथ कोर्स करने के बाद मुझे मतलब एहसास हो रहा है, मतलब बहुत कुछ ब्लॉकेज खुल रहा है। वो अभी कुछ भी मतलब को दिल को छू जाने वाली कोई कोई एक लाइन मिल गया तो आँख से पानी आ जाता है। मतलब हाँ, हम थोड़े से ज्यादा काइंड हो जाते हैं, ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं। यस यस आई अंडरस्टैंड, यस ये चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यस एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर योर रिव्यू फीडबैक? यस मैम। यस पूजा जी बोलिए। बहुत अच्छा था मैम, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी, घर वाले कुछ इतना मर्जी कह लो डिस्ट्रैक्ट कर देते थोड़ा बहुत। मैम ओवरऑल अच्छा रहा, लेकिन मुझे हैवीनेस हेड पर थोड़ी हैवीनेस फील हुई। आई थॉट ये डिस्ट्रैक्शन थी। हाँ पहली बात वो हो सकती है, दूसरी बात कुछ अगर अपन ने आज ज्यादा सोच लिया है, मतलब लॉजिकल माइंड अगर ऑन हो जाता है, देखो मेडिटेशन करते समय अगर लॉजिकल माइंड ऑन हो जाता है तो यस वो हैवीनेस आ जाती है, विच हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन मे बी। या फिर आज आपके दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग से इन्वेस्टेड थे, कुछ सोचा आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा। हाँ जी आपकी स्माइल बता रही है यस। सो या सो दैट इज द रीजन। ओके ओके या ओवरऑल मैम वैसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। व्हेन यू सेड कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, लाइक आई फील कि आई एम टोटली प्रोटेक्टेड, एक ग्लोब मतलब एक किसी कवर के अंदर हूँ, एंड आई फील पता नहीं ऐसे हो गए मेरे हाथ अपने आप ही। सिर्फ मैं हूँ। शिल्पा जी। हाँ जी हेलो अनुपमा जी, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, एंड मेडिटेशन करना तो ऑलवेज अच्छा लगता है, सो थैंक यू कि आपने फिर से ये क्लास स्टार्ट की। At least we can start again. Thank you very much. Thank you very much, dear, for coming. Thank you. Yes, chaliye fir, that's it from my side. See you all tomorrow, 9 o'clock. Thank you. Jai Shri Krishna. Good night. Jai Shri Krishna. Good night. Bye bye. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.